आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सहरसा पहुंचे, जहां 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। बता दें कि सहरसा पहुंचकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भाजपा कार्यालय में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का झंडोत्तोलन कर दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि जिला में भाजपा के द्वारा कार्यकर्ताओं के बीच 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी क्रम में सहरसा जिला में प्रशिक्षण है, उसको लेकर आज हम एक सत्र का वर्ग प्रशिक्षण लेने के बाद आज सहरसा आए हैं। सहरसा हमारी मातृभूमि भी है, जन्मस्थान है। विगत 1 वर्षों से सहरसा नहीं आ पाया था, लेकिन जिले के विभिन्न जगह पर जाने का अवसर मिला था, लेकिन सहरसा जिला मुख्यालय इस बार आने का अवसर मिला है। माननीय मंत्री आलोक रंजन जी द्वारा लगातार अपने क्षेत्र के विकास के लिए सुचारू हैं। विकास के मामले की अगर बात करें तो कोविड मामलों को लेकर जो रुका हुआ था, अब विकास जरूर होगा। जिला में प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जा रहा है और उसी क्रम में आज सहरसा जिले के प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ है और एक सत्र लेने के लिए और उद्घाटन सत्र में भाग लेने के लिए मैं सहरसा आया हूँ। सहरसा हमारी मातृभूमि है, मेरा जन्म स्थान है, लेकिन विगत 1 वर्ष से सहरसा नहीं आ पाया था। जिला में कई स्थानों पर जाने का अवसर मिला है, लेकिन सहरसा मुख्यालय में आने का अवसर मिला है और इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारे माननीय वरिष्ठ नेता और एवं बिहार सरकार के मंत्री श्री आलोक रंजन जी लगातार मंत्रिये हैं। स्वाभाविक है कि सहरसा के हैं तो बिहार के साथ साथ सहरसा के विकास के लिए हम सब लगातार करेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण तो विकास का चक्र रुका हुआ था, धीरे धीरे उससे देश और राज्य उभरा है और सारी परिस्थितियां अनुकूल हो रही है। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए हम सब काम करेंगे। प्रशिक्षण वर्ग में मूल रूप से जो हमारी सैद्धांतिक अवधारणा है या जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने 300 से 300 तक की यात्रा की है, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय हमारे 3 सांसद थे, आज 300 हैं। उस लंबी यात्रा में जो हमारी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता है, वो उस प्रतिबद्धता के कारण हम सब आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में आज हम सब वैश्विक स्तर पर उपस्थित हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी के नेतृत्व में हम सब काम करते हैं। हम सबों के लिए देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि भाजपा विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल में गिनती में आ रही है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वीर योद्धा CDS प्रमुख बिपिन रावत को श्रद्धांजलि नम आंखों से देकर भावभीनी विदाई भी दी। उन्होंने कहा कि वे देश के योद्धा थे और ऐसे योद्धा बहुत कम ही पैदा होते हैं।